नमस्कार दोस्तों, हम भारतीयों के मन में अक्सर ये सवाल चलता रहता है कि भारत के मूल निवासी कौन हैं। तो आइए आज इस सवाल का उत्तर समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अगर हम डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत को मानकर चलें तो इंसान बानर जाति का विकसित रूप है, यानी एक चिंपैंजी हमारा पूर्वज है। अब सवाल ये पैदा होता है कि चिंपैंजी से मानव बनने की प्रक्रिया सबसे पहले कहाँ शुरू हुई। विद्वानों के मतानुसार ये प्रक्रिया अफ्रीका के जंगलों में लाखों साल पहले, लगभग 20 लाख साल पहले शुरू हुई। वहीं से मानव पूरी दुनिया में फैला और हजारों किलोमीटर की यात्रा कर भारत में भी आया। मौसम के अनुसार इनके रंग रूप और प्रकृति में बदलाव आते गए। कई मौसम की मार नहीं झेल पाए और मर गए, तो कई ने विपरीत परिस्थितियों में खुद को ढाल लिया और जिंदा रहे। अटकल और अनुमान से जो बात अभी तक सामने आई है, उसके अनुसार ये समझा जाता है कि भारत में सबसे पहले आने वाली जाति निग्रो है। ये जाति भारत में अरब ईरान के किनारे किनारे चलकर पश्चिम से या संभवतः सीधे अफ्रीका से आई थी। इसकी एक शाखा भारत से निकलकर ऑस्ट्रेलिया भी गई, जहां इसके वंशज आज तक मौजूद हैं। निग्रो लोग सभ्यता के आदि सोपान पर थे, जो खेती नहीं करते थे बल्कि फल कलमूंद या फिर जानवरों का शिकार करके अपना पेट भरते थे। भारत में इनका काल 10,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। लेकिन अब भारत में निग्रो लगभग समाप्त हो चुके हैं, बस थोड़ा बहुत ही रह गए हैं। या तो निग्रो आग्नेय जाति के लोगों द्वारा मार दिए गए या उनमें घुल मिल गए और एक हो गए। उनकी कोई अलग सत्ता न रही। उनके थोड़े से निशान दक्षिण भारत के आदिम जातियों में या फिर नागा जाति में बचे हुए हैं। कहा जाता है कि निग्रो के बाद जो जाति भारत आई वो ऑस्ट्रिक या आग्नेय जाति बनवासी जाति थी। इनका नाम ऑस्ट्रिक या आग्नेय इसलिए पड़ा क्योंकि ये लोग यूरोप के अग्रणी कोण में पाए जाते हैं और वहीं से भारत आए थे। इस जाति के लोग मादागास्कर और विंध्य मेखला से लेकर प्रशांत महासागर के ईस्टर द्वीप तक फैले हैं। असल में कश्मीर से लेकर प्रशांत महासागर के पूर्वी द्वीप समूह तक जो भी पक्के काले और वनवासी लोग हैं, उन्हें ऑस्ट्रिक जाति का ही उत्तराधिकारी समझना चाहिए। गांव में रहने वाले कई दलित जाति के लोगों का जो अत्यंत विशालकाय समूह है, जैसे डोम भुइयां मुसहर इत्यादि लोग आग्नेय जाति से संबंधित हैं। रक्त मिश्रण के कारण उनके रूप रंग बदल गए हैं। आमतौर पर यह माना जाता है कि हिंदुस्तान की जनसंख्या का एक प्रमुख भाग आग्नेय जाति की देन है। इसके बाद आई द्रविड़ जाति। द्रविड़ भारत में कहां से आए, इसको लेकर के कई मत हैं, लेकिन अंत में ये मत भारी पड़ जाता है कि द्रविड़ भूमध्य सागर के किनारे से आए थे। इनके आगमन का काल ईसा के लगभग 3500 वर्ष पूर्व का माना जाता है। रास्ते में इनकी कुछ शाखाएं ईरान और इराक में भी रह गईं, जिन्होंने सुमेर सभ्यता की नींव डाली। जो लोग भारत पहुंचे, मोहनजोदाड़ो के पास सिंधु सभ्यता की नींव डाली। यही कारण है कि द्रविड़ सभ्यता और सुमेर सभ्यता में काफ़ी समानताएं पाई जाती हैं। द्रविड़ जाति प्राचीन विश्व की अत्यंत सुसभ्य जाति थी। भारत में सभ्यता का आरंभ इसी जाति ने किया था। जब द्रविड़ जाति यहाँ आई तो यहाँ आग्नेय जाति की प्रधानता थी। कुछ निग्रो जाति के लोग भी मौजूद थे। माना जाता है कि आग्नेय और निग्रो जाति की बहुत सारी बातें द्रविड़ सभ्यता के अंदर आ गईं। ऐसा कहा जाता है कि इस देश में कृषि का विकास द्रविड़ों ने ही किया, समुद्र यात्रा की परंपरा आरंभ की, सिंचाई के लिए नदियों को बांधने की प्रथा चलाई, बड़े बड़े मंदिरों और नगरों का निर्माण किया तथा नगर सभ्यता की नींव डाली। फिर आए आर्य जाति के लोग। जब आर्य आए तो आग्नेय जाति के लोग सिंधु की तराई में मौजूद थे। आर्यों ने उन्हीं का नाम निषाद रखा और उनके काले रंग और चपटी नाक की हंसी भी उड़ाई। जब आर्य भारत आए, उस समय आग्नेय और द्रविड़ जाति के लोग पड़ोसियों की तरह रहते थे। कहा जाता है कि द्रविड़ों और आर्यों में लंबी लड़ाई हुई, उसके बाद दोनों ने मिलकर जीना सीख लिया और आज जो भारत की संस्कृति है वो आर्यों और द्रविड़ों की मिक्स संस्कृति है। दोनों संस्कृतियाँ एक दूसरे से ऐसे घुल मिल गई हैं कि कभी अलग नहीं की जा सकती। आज इन दोनों संस्कृतियों को अलग से पहचान दिलाने की कोशिश एक बेवकूफाना हरकत ही साबित होगी। इतना नहीं, आर्यों के बाद भी बहुत जातियाँ यहाँ आईं। मुस्लिम आए, शक हूण आए, पारसी अंग्रेज यवन और भी जाति धर्म के लोग आए, जिनकी बहुत सारी बातें भारतीय संस्कृति में शामिल हो गई हैं।
लोग आते गए, कारमा बनता गया। अगर हम ये कहें कि भारतीय संस्कृति विभिन्न संस्कृतियों का गुच्छा है तो गलत ना होगा। हमारी संस्कृति इतनी उदार रही है कि किसी को भी अपने में समा लेती है, मगर कभी अपनी हस्ती नहीं खोती। यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। धन्यवाद।